हेलो एवरीवन, दिस इज़ अविनाश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग माय गार्डनिंग यूट्यूब चैनल वाओ गार्डनिंग। तो आज मैं आपके साथ जो ये प्लांट शेयर कर रहा हूँ, इसका नाम है प्लूमेरिया, यानी कि आप इसे चंपा के नाम से भी जानते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन सा प्लांट है, आपको जनरली हर जगह देखने के लिए मिल ही जाता है, ये पार्क्स में हो या स्कूल्स में हो। जनरली लोग अपने घर के बाहर से बाउंड्री में लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट है जो कुछ ही दिनों में, क्योंकि काफ़ी इसकी जल्दी से ग्रोथ भी होती है और ये ट्री शेप ले लेता है। तो इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि एक शेड प्रोवाइड करता है, बड़े लीव्स का प्लांट होता है ये, और साथ में इसमें जो है फ्लावर्स भी बहुत सुंदर आते हैं, तो देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है, इसलिए काफ़ी लोग इसे लगाना पसंद करते हैं। आप अगर गार्डनिंग करते हैं और इतनी स्पेस नहीं है आपके पास लैंड की, तो आप इसे पॉट में भी लगा सकते हैं, ईजिली ग्रो कर जाता है। तो बेसिकली आज मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ, इसकी केयर बताऊँगा कि इसके फ्लावर्स जो अभी स्टार्ट हो गए हैं तो इसकी केयर कैसे करनी है, फर्टिलाइज़र कौन सा हमें देना चाहिए, ओवरऑल इसकी सारी हम जो है आज इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने इसे लगाया है, ये छोटे सा पॉट में है, ये 10 इंच का पॉट है, और मैंने जो इस प्लांट्स को लगाया है वो कटिंग के थ्रू लगाया था। पहले भी जब मैंने इसकी कटिंग्स लगाई थी और इसके पहले एक और वीडियो शेयर किया था, उसमें मैंने आपको बताया था। अगर मैं लास्ट ईयर से कंपैरिजन करूं तो अभी जो है इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो चुकी है। सबसे अच्छी बात है कि मैंने एक पतली सी नीचे स्टेम लगाई थी, और देखिए इसमें जो है 4 न्यू शूट्स निकल के आए इधर। तो बीच में भी कुछ दिनों पहले एक नेस्ट भी बना हुआ था, किसी बर्ड ने बनाया हुआ था, मैंने उसे हटाया नहीं था, अपने आप जो है वो आंधियों पे ख़राब हो गया। तो देखिए ऐसी जो है अब इसका स्ट्रक्चर आ गया है कि कोई भी चीज़ कैसे आप बैलेंस कर सकते हैं बीच में, देखने के लिए इसीलिए काफ़ी ब्यूटीफुल ये लगता है, क्योंकि 4 स्पेस से आपके यहाँ पे एरिया में मिल जाते हैं फ्लोरिंग देखने के लिए, और ये जब चारों तरफ से करेगा फ्लोरिंग तो और भी ब्यूटीफुल लगेगा। अभी आप देखिए यहाँ पास 2 आप सेक्शंस में इसमें फ्लावर देख सकते हैं, इसमें भी फ्लावर देख सकते हैं, और यहाँ पर जो है बर्ड स्टार्ट हो गई है निकलना। तो हो सकता है कल या परसों ये जो है अच्छी तरीके से इसमें भी ब्लूमिंग आ जाए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके ग्रोइंग सीज़न की। तो देखिए ग्रोइंग सीज़न जो है अभी है इसका, मार्च के बाद से अच्छी ग्रोथ जो है पकड़ लेता है। विंटर्स के टाइम में पूरे जो है इसने अपने लीव्स गिरा दिए थे, तो इसमें ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये डोरमेंट पे जाता है विंटर्स में। तो उस समय आपको किसी भी तरह का इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं देना है, क्योंकि ना ही प्लांट्स उसकी इतनी रिक्वायरमेंट रहती है, ना ही वो इनटेक करता है। दूसरी बात हम बताते हैं, अभी जैसे समर्स का टाइम चल रहा है, तो इतनी जब तेज़ गर्मियां होने लगती हैं, वैसे तो ये काफ़ी अच्छा हीट टॉलरेंट प्लांट होता है, काफ़ी अच्छी तरीके से जो है हीट को ये झेल ले जाता है। बट अब इतनी ज़्यादा तेज़ जो गर्मियां होने लगी हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो आती हैं प्लांट्स में, वो हो सकता है कि बर्निंग की प्रॉब्लम आए, या फिर उसमें जो है ग्रोथ स्लो कर देता है, कई बार रुक जाती है। जैसे आप ग्रोथ देखते हैं कि विंटर्स में प्लांट्स अपनी ग्रोथ रोक देता है, उसी तरह ज़्यादा जब तेज़ गर्मियाँ पड़ने लगती हैं तो वो प्लांट्स अपने आप को बचाने में लग जाता है, वो ग्रोथ रोक देता है। तो उसमें आपको क्या करना है इसे कि इसे शेड प्रोवाइड करनी है। एक चीज़ और इसमें क्या होता है कि जो आपके बर्ड्स बन रहे हैं ना, वो बर्निंग की प्रॉब्लम हो जाती है, वो गिर जाते हैं या जल जाते हैं, तो उसके लिए आपको शेड देना है इसे। शेड जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर ग्रीन नेट लगा के रखा हुआ है, तो इससे क्या होता है कि प्लांट्स हमारा काफ़ी सिक्योर्ड हो जाता है, तो डायरेक्ट जो सनलाइट है वो नहीं पड़ती है आपके प्लांट्स में, तो इससे जो है फिल्टर्ड सनलाइट आती है, जो इसके लिए काफ़ी रहती है, फिर ये अच्छी तरीके से ग्रो करता रहता है। तो अभी मैंने इसे ऐसे ही रखा है टेरेस गार्डनिंग में, जबकि मैं इसे यूज़ अभी लगाया हुआ है और मैंने इसके ऊपर ग्रीन नेट लगा दिए, तो ये अच्छे तरीके से यहाँ पर चल रहा है। तो फिलहाल मैं बात करूं इसकी अगर दोस्तों की फ्लोरिंग कब कैसे आती है, क्योंकि कई बार लोगों की प्रॉब्लम आती है इसकी जो है बर्ड ड्रॉप हो जाती है, तो इसमें जो है न्यूट्रिएंट्स की काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाती है। तो और काफ़ी हैवी फीडिंग करता है ये प्लांट्स, क्योंकि इसके जो लीव्स भी होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के होते हैं। स्टेम आप देखिए कितनी मैच्योर आपको दिख रही होगी, अभी छोटा ही सा प्लांट है, काफ़ी हैवी है, तो इसमें फूड भी उतना ही हैवी देना चाहिए हमें। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र का जो लिक्विड बना के देता हूँ 15 से 20 दिन के गैप में, साथ में जिसकी बर्ड ड्रॉप की प्रॉब्लम आ रही है, जो काफ़ी दिनों तक टिक भी नहीं पाती, उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं ऑर्गेनिक वे में आज बताऊंगा। तो आप उसके लिए बनाना पील फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट देखने के लिए मिलता है उसका। तो आप लिक्विड बना के उसे देंगे अपने प्लांट्स में, तो आपको बहुत ही विजिबल और अच्छा रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेगा। साथ ही मैं बीच बीच में यूज़ करता हूँ दोस्तों थोड़ा सा सीवीड एक्सट्रैक्ट। तो आपके पास सीवीड का अगर लिक्विड है तो आप दे सकते हैं, या फिर आप जो है ग्रैनुअल को भी थोड़ा सा लिक्विडली बना के दीजिएगा। अगर आपके पास ग्रैनुअल है तो फिर आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा इसकी गुड़ाई करके चारों तरफ सॉइल को थोड़ा सा बाहर निकाल के उसे डाल सकते हैं, और फिर ऊपर से पैक कर दीजिएगा, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, तो इसका जो कम्प्लीटेड न्यूट्रिशन हो जाएगा।
केमिकल में मैं कभी कभार यूज़ कर देता हूँ, जैसे मैं कभी एनपीके वगैरह रहता हूँ तो एनपीके को जनरली मैं ऊपर से ही फोलियर से देता हूँ तो प्लांट्स में जल्दी मिल पाता है। तो यही कुछ जो है बेसिक मैं इसके फर्टिलाइज़र देता हूँ, इसी में इसकी काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ मुझे देखने के लिए मिल जाती है। तो ये तो मैंने फर्टिलाइज़र आपको बता दिया। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि दो तीन रीजंस होते हैं जिसके कारण से जो है प्लांट्स ग्रोथ रोकता है या आप अपनी जो बड ड्रॉप की प्रॉब्लम इसमें क्यों आती है। सबसे पहले तो आता है इसमें जो है वाटरिंग जो अपन करते हैं इसमें वो कई बार ओवर हो जाती है, अंडर हो जाती है। ओवर वाटरिंग करने से भी कई बार जो है प्लांट्स अपनी लीव्स और जो फ्लावर्स रहते हैं उसको ड्रॉप कर देता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और अंडर वाटरिंग भी नहीं करनी है। जैसा समर्स का टाइम चल रहा है तो अपन दो बार भी वाटरिंग करते हैं तो कई बार कम पड़ जाता है जो मैच्योर प्लांट रहता है, तो आप उसमें जो दो बार वाटरिंग करेंगे तो प्लांट्स फिर अच्छी तरीके से चलता है। तो ये चीज़ भी आपको अपने प्लांट्स पे देख के डालना है, क्योंकि छोटा सा अगर आपका प्लांट है और आप ज़्यादा वाटरिंग कर देंगे मेरे कहने के अकॉर्डिंग तो फिर आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है चेक करने का, आप अपने फिंगर टिप से आप ऐसे चेक कर लीजिए ऊपर, अगर ड्राइनेस आपको लग रही है थोड़ा सा ऐसे इसको निकाल कर देख लीजिए तो आप उसको बेशक डाल सकते हैं। फिर आप जब डालने लगेंगे ना तो आपको अपने आप ही एक्सपीरियंस हो जाएगा, अपने आप ऑब्जर्व करोगे कि किस प्लांट्स को कितनी रिक्वायरमेंट रहती है चीज़ की। तो ये चीज़ जो है कारण रहता है। और फिर एक होता है एटमॉस्फेयर चेंज का, एकदम से जैसे एटमॉस्फेयर कई बार चेंज हो जाता है तो उस कारण से भी होती है। अब जैसे इस बार काफ़ी ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही हैं तो इसको थोड़ा सा सर्वाइव करने में प्रॉब्लम होता है, तो फिर जो है ये अपने पूरे बर्ड्स को गिरा देता है। तो मल्टीपल रीजंस होते हैं और आपके एटमॉस्फेयर पे भी डिपेंड करता है, आप जहाँ रहते हो उसके हिसाब से भी ये जो है कई बार ग्रोथ करते हैं, तो वो सारी चीज़ जो है अलग ही हो जाती है। और मैं बात करूं दोस्तों अब इसमें अगर इसके सॉयल मिक्सचर की, तो देखिए सॉयल मिक्सचर नॉर्मली मैंने बनाया हुआ था इसका, जब मैंने इसको लगाया हुआ था तो छोटे से पॉट पे लगाया था, फिर जब थोड़ा इसका रूट डेवलपमेंट हो गया तो मैंने इसको 50% जो है सॉयल मिक्सचर यूज़ किया था अपना गार्डन सॉयल, और इसमें मैंने यूज़ किया है 30% कंपोस्ट, क्योंकि एक लीफी प्लांट है तो कंपोस्ट नाइट्रोजन बेस्ड ज़्यादा इसे चाहिए मैटर। और इसके बाद मैं 20% इसमें जो है सैंड ऐड किया है, तो इस मिक्सचर में जो है ये काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करता है। तो ऐसा भी आप बना सकते हैं, बहुत ही आपको अच्छा रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेगा। लाइटिंग कंडीशन की मैं बात करूं तो उसको ऐसी जगह पर प्लेस करना है जहाँ पे इसे मॉर्निंग की सनलाइट मिल जाए 3 से 4 घंटे। वैसे तो अब जैसे अब ये रखा हुआ है ग्रीन नेट में तो ये फुल डे भी पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि फिल्टर्ड इसे सनलाइट मिलती है। पर मॉर्निंग की जो ज़्यादा अच्छी रहती है सनलाइट, क्योंकि विदाउट सनलाइट आप कितनी भी अच्छी केयर कर लेंगे, फर्टिलाइज़र दे देंगे बट उसमें फ्लावर नहीं आने वाले हैं, तो इस बात को जो है हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आप उसे अच्छी जगह पर प्लेस कीजिए, बहुत हार्श सनलाइट पर मत रखिएगा, मैं आपको बार बार इसे बता रहा हूँ। तो चलिए लास्ट में दो तीन आपको जो है टिप्स और दे देता हूँ। तो जैसा कि आप ये प्लांट देख रहे हैं तो इसको अभी आप अकेले मत रखिए, जैसा कि अभी ये समर का टाइम चल रहा है तो जनरली मैंने सारे अपने प्लांट जो हैं एक साथ रख दिए हैं। इसको एक साथ रखने में काफ़ी ह्यूमिडिटी इनके लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि आप जब इसमें वाटरिंग करते हैं तो काफ़ी इसमें ठंडक भी बनी रहती है, तो उस जगह पे आप रखेंगे तो ये काफ़ी विंड से जो ज़्यादा तेज़ चलती हैं, जो गर्म हवाएं रहती हैं उनसे भी ये बच जाता है। तो आप ये कर सकते हैं साथ में, जब मैं इसमें वाटरिंग करता हूँ चाहे मैं इवनिंग में करूँ चाहे मॉर्निंग में करूँ तो फिर मैं थोड़ा सा जो है इसको मिस्टिंग कर देता हूँ या कभी कभी नहला भी देता हूँ, तो उससे ये काफ़ी हेल्दी ग्रो करता रहता है। और एक चीज़ मैं और बता दूं, जैसे इसकी जो फ्लावर है ना, अभी स्पेंड फ्लावर जब हो जाएंगे पूरे तरीके सूख जाएंगे, जब इनकी लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है तो जहाँ से इनकी ग्रोइंग टिप है दोस्तों, जहाँ से ये ग्रो कर रहे हैं, जैसे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, आप इजीली देख पा रहे होंगे, ये जो ग्रोइंग टिप देख रहे हैं इसमें जो सारे फ्लावरिंग बर्ड्स लगे हुए हैं, तो जब ये अच्छी तरीके से पूरे इसके फ्लावर चले जाएँ तो आप इसको यहाँ से कट कर दीजिएगा, तो यहाँ से फिर नई जो है ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी, हो सकता है इसमें नई फिर से बर्ड्स बनना स्टार्ट हो जाए। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ रहती हैं यही आपकी जो है फ्लावरिंग को प्लांट्स को ग्रो करने में प्रमोट करती हैं। तो आई थिंक मैंने इससे रिलेटेड सारी चीज़ इसमें कवर कर दी है। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट पे उसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर किसी एक नए टॉपिक के साथ, नए प्लांट केयर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।